सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाली पुलिस अब लोगों के लिए मौत का कारण बनती जा रही है। कैथल में पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर एक व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। मृतक की उम्र 30 वर्ष है। युवक ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उसने जिक्र किया है कि इस महीने की 13 तारीख को कुछ दबंगों के द्वारा उसको लाठी और गंडासी के साथ बुरी तरीके से पीटा गया, जिसमें पुलिस ने निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई ना करके पीड़ित को ही धमकाने का काम किया। इतने दिन बीतने के बाद जब दबंगों पर पुलिस की कोई कार्रवाई ना हुई तो पीड़ित ने निराश होकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मैं जी गांव के साथ लड़के ने ये मेरा पिता की डेड बॉडी पड़ी है, गंडासियों के साथ हमला कर रहा था। मम्मा भी नहीं 13 तारीख को जी। अच्छा, हमला कर रहा था तो पुलिस प्रशासन और डॉक्टर ने उल्टा इसके ऊपर केस कर दिया था जी। इसकी आत्महत्या करनी पड़ी जी, प्रशासन ने तंग कर रखा था सर। लड़कियों ने तंग कर रखा था, अगर तली कटन नहीं दे रहे थे, धमकी दे रहे थे बार बार। थाना का ऐसा सो बहुत बेकार है जी, पैसे खाएगा इसकी जो छोरा बहुत तंग कर रखा था जी। राजकुमार इतना की 13 तारीख से इसके चोट मारी, उसके 2-4 दिन बाद युगर आ गया था, फिर तंग कर रहा था प्रशासन जी, और वो लड़के भी तंग कर रहे थे जी। पुलिस के इस रवैये के विरोध में मृतक के परिजनों ने उसका शव सड़क के बीच में रखकर जाम लगाया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और कहा कि जब तक थाना प्रभारी और दबंगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक ना ही अंतिम संस्कार किया जाएगा और ना ही जाम खोला जाएगा। घटना जी लड़ाई करी, मतलब गांव के शरारती तत्वों ने, पुलिस वाले ने भी मर पर पूरा दबाव दे जी, मैं बोले समझौता करो, हमारा गाल में निकलना दुर्भर कर रखा था जी, गाल में भी निकलने में जमा हमने रोटी खाना भी मुश्किल कर रखा था जी, गाल में को भी चक्कर मारे करते जी, गाल दे करते। किसने? जो गांव के जी ने चोट मारी थी जी पहले, मान लिया जी, सुनील है जिसका नाम जी, क्यासु है जी उसका भाई सोनी सोनू है जी, एक सूबी है जी उनका बहन जा रहा, एक छोटा जी जगदीश करमवीर समार का जी, एक प्रदीप है जी, एक बंटी है जी हलवाई, गाल में कुछ मैं निकलना दुर्भर कर रखा था जी, मारा जमकर तो बाहर भी निकल दिया इसी गांव के जी, पुलिस प्रशासन ने मार पर इतना दबाव डालिया जी, मतलब अभी तुम समझौता करो नहीं तो हमें गिरफ्तार करेंगे, बहुत ज्यादा मतलब मर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर जी, इस मतलब दिमाग उस मैं जी दिमाग दबाव में आ गया जी, छोरा का इस करके सुसाइड करे जी, इसके बारे में हमारी सुनवाई। मृतक के परिजनों का कहना है कि इस मामले को लेकर वह कैथल पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार से मिले थे और राज्य मंत्री कमलेश डांडा से भी मुलाकात की थी, लेकिन फिर भी दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।